Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata करते हैं प्रेयर्स के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीर्ये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ट की। ओम अज्ञातिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहकृजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 9 अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 14। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद: प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। अलका, आप वो ये पढ़ सकते हैं तात्पर्य। हरे कृष्ण, तात्पर्य भाई डिवाइन गिफ्ट्स भक्ति विधान स्वामी श्लोकोत्तर। भगवान की शक्तियाँ अनंत है और ये सारी शक्तियाँ दैवी है। यद्यपि जीव आत्माएं उनकी शक्तियों के अंश है अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है।
इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पर तथा अपर शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की स्थिति को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेक्षा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायां तु प्रकृति विद्या मायनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या ज्ञानश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.10। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। की सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावना इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीनश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतुकी कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्फल माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी है। अतः वे बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 इसकी पुष्टि तमेव विदित्व के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्रदान की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु रेवा न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद अलका। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन साधु संघ ये भगवद गीता के ऑनलाइन सत्र में आए हुए सभी भक्तों का स्वागत करते हैं हृदय से, और यहाँ घर में भी मेरे मम्मी और ये अलका सुन रहे हैं, तो सबको स्वागत प्रणाम करके आगे बढ़ता हूँ। हरे कृष्णा। आज का ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वास्तविकता में 3 श्लोक की सेवा होती है, हम प्रति शनिवार देखते हैं, तो आज के शनिवार के सत्र में भी 3 श्लोक थे, 7.14, 15 और 16। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वदेव प्रभु जी ने वो
सेवा की ये अवसर दिया था कि ये सेवा है शनिवार की, तो कौन लेना चाहेगा ये सेवा। तो जब ये श्लोक के बारे में देखें तो ऐसे मन हुआ कि पहले तो ये पहला ही श्लोक देखे तो ऐसा मन हुआ कि प्रयास करते हैं यदि कोई वॉलंटियर ना हो तो। फिर जब जाके देखें कि ये तीन श्लोक हैं और ये जो तीन श्लोक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इसमें कई सारे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें संदेश सीखने मिलते हैं। तो गोपी और प्रभु जी को ये रिक्वेस्ट किया तो प्रभु जी ने कहा ठीक है कि एक श्लोक हम ये शनिवार को देखते हैं। तो ये श्लोक जो है इसके बारे में फिर थोड़ा सा देखने से मुझे ये थोड़ा मैंने श्रील प्रभुपाद जी का गुरु महाराज परम पूज्य जयपता स्वामी महाराज और जो हम प्रातः में श्रीमद् भागवतम का सत्र देखते हैं उसमें से थोड़ा मैंने ये पॉइंट्स लिया है। तो आइए हम वो समझने का प्रयास करते हैं। आप सबसे आशीर्वाद लेके मैं ये प्रारंभ करता हूँ। ये जो श्लोक है प्रायः जो देखा जाए तो कहा जाता है कि हमें श्लोक को कंठस्थ करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है ये भक्ति शास्त्री में भी सिखाया जाता है और ये जो श्लोक है ये बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको ये श्लोक को हृदय स्थ करने जैसा ये श्लोक है क्योंकि इसमें भगवान की जो शक्तियां हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है और किस तरह ये इन सब जो भगवान की शक्ति है ये कैसे वापस भगवान से मिल सकती हैं इसके बारे में इसमें से हमें जानकारी मिल रही है। तो ये जो श्लोक है इसके माध्यम से हमें ये समझने मिलता है कि भगवान की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो हम जैसे जो अभी तक जो हम श्रवण करते आए हैं उसमें से हमें दो शक्ति महत्व ये पता चलती है, एक तो अपराशक्ति और पराशक्ति। तो इसमें ये जो ये सातवें अध्याय में ही आया था वो पहले कि अपरेयम इतस्कन्यम प्रकृतिम विधि में परम। तो इसमें जो है ये एक अपराशक्ति है और एक पराशक्ति है। तो इसमें भी बाद में जो भगवान बताते हैं कि ये जो पराशक्ति है वो जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति और जो ये जीवात्माएं हैं वे आते हैं और जो पराशक्ति है वो है ये भौतिक ये बहिरंगा शक्ति। तो जो ये बहिरंगा शक्ति है उससे जीव शक्ति जो है जीवात्माएं हैं वो उससे ऊपर है। लेकिन जैसे जो ये वर्षा होती है वर्षा में से जो बूंद गिरती है वो जो जैसे जहाँ पे गिरती है वहाँ का वो संग पाके वो उस प्रकार वो वैसा वो रूप या वैसा स्वाद या वैसा गंध जो भी है वो आकार प्राप्त कर लेती है। जैसे एक बूंद अगर एक ये पानी या कीचड़ में गिरे तो वो कीचड़ वाली हो जाती है। वो एक बूंद यदि एक कमल के इस पे पत्ते पे गिरे तो वो मतलब कहा जाए तो वो एक औषधि के रूप में भी बन सकती है वो, या तो वो एक बहुत ही ऐसा वो महत्वपूर्ण उसमें उसका भूमिका होती है। और यदि एक जो बूंद है वो एक जो शैल होता है उस पे गिरे तो वो मोती बन सकती है। तो वो जो बूंद होती है वो कहाँ गिरती है उसके ऊपर उसका वो ये आधारित होता है। तो उसी तरह ये जो जीव है जीवात्मा है, जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है, अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। तो ये जो जीवात्माएं हैं ये भौतिक जगत में आने से भौतिक ये गुणों के संसर्ग में आने से वो जो भौतिक बहिरंगा शक्ति है उससे परे है उससे ऊपर है लेकिन फिर भी उसके आवरण में आने से वो उसके नियंत्रण में आता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि ये जो भौतिक शक्ति जिसे माया भी कहा जा रहा है यहाँ पे भी भगवान कहते हैं देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया कहा जाता है तो आज के सुबह के सत्र में ही हमने श्रवण किया था कि माया यानी जो नहीं होता है वो। तो ये जो माया है इसका बहुत सारे लोग
विश्लेषण करते हैं कि ये मिथ्या होता है या ये माया जो नहीं दिखता वो होता है या यही सब कुछ होता है, तो ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये जो माया है ये जो है देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये श्लोक प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं और इसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक भी आता है श्वेताश्वर उपनिषद से, मायां तु प्रकृति विद्यान्मयीं तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूकर भगवान है जो परमात्मा परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वर उपनिषद 4.10। तो इसमें हमने जैसे हमने देखा जो अभी जो श्रीमद् भागवतम का जो सत्र चल रहा है उसमें परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न पूछ रहे थे। अब उन्हें जो है ये सब जो जानकारी प्राप्त हो रही है तो उसी के उन तात्पर्य में हमें श्रील प्रभुपाद जी बहुत सारी महत्वपूर्ण ये संदेश बता रहे हैं, तो उनमें से ही मैंने थोड़ा ये पॉइंट लिया था कि ये माया क्या है। यद्यपि माया भी परमेश्वर की अंश रूप है किंतु वह परमेश्वर से भिन्न है। जैसा हमने देखा कि भगवान की जो तीन शक्तियां हैं, एक तो ये अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। जो जीवात्माएं हैं वो तटस्थ शक्ति है और ये जो बहिरंगा शक्ति है वो माया है और वो भगवान से भिन्न है। परंतु वह मिथ्या मृषा नहीं है जैसा कि एकेश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं। मतलब ये जो अलग अलग तत्व चिंतक या दार्शनिक हैं जो निर्विशेषवादी है या मायावादी है वो ऐसे समझते हैं कि ये माया भिन्न है या माया मिथ्या है। तो इसमें बहुत अच्छा उदाहरण भी हमें आज के सुबह के श्लोक में मिला तात्पर्य में कि रस्सी को सांप समझना किसी व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम हो सकता है किंतु रस्सी तो वास्तविकता है और सर्प भी वास्तविकता है। ये एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कि जैसे कोई ऐसे रस्सी को अगर ऐसा सांप समझ के बैठे तो वो मतलब एक तरह से वो ऐसा कहना चाहे कि ये भ्रम है, लेकिन ये जो है ये रस्सी भी जो है वो वास्तविकता है उसकी और सांप की भी वास्तविकता है। इसमें और एक हमें ये उदाहरण मिलता है किंतु रस्सी तो वास्तविकता है और सर्प भी वास्तविकता है। और एक उदाहरण ये है कि गर्म मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूर्ख पशु के लिए मृग तृष्णा भ्रम हो सकती है किंतु मरुस्थल तथा जल दोनों सत्य है। मतलब यानी हम देखते हैं कि कोई ऐसा जो मृग तृष्णा जो मृग होता है जो भागता रहता है और उसे जो ये मरुस्थल यानी रेगिस्तान में जैसा वो रणभूमि में भागता रहता है और वहाँ पे उसे लगता है कि यहाँ पे पानी होगा तो वो उसके लिए एक तरह से ये भ्रम हो सकती है, लेकिन जो मरुस्थल है और जो जल है वो दोनों वास्तविकता है, वो भ्रम नहीं है। तो ये जो माया है ये भी इस तरह से काम करती है। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, अतः अभक्त के लिए भले ही भगवान की भौतिक सृष्टि भ्रम लगे किंतु भगवान के भक्त के लिए वही सत्य है और वह भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रागट्य है। तो ये जो माया है वो इस तरह से हमें उनका परिचय मिलता है। और अब हमने जैसे देखा कि हम ये जो भौतिक यहाँ पे आते हैं ये जो वातावरण के हम संसर्ग में आते हैं तो हम भी उसी गुणों के प्रभाव में हम बंध जाते हैं। और जो मतलब ऐसे बोलते हैं कि जो निष्क्रिय शक्ति है जो नीचा है वो जो उसके ऊपर है उसको नियंत्रण करती है। तो वो कैसे क्या होता है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमें एक उदाहरण मिलता है कि जैसे कोई एक ये तीन गुणों के प्रभाव है और वो तीन गुणों के प्रभाव में रह के वो जो भी कार्य करता है वो मतलब वो उसे समझता है कि वो कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली करा रहे हैं उसे तीनों गुण। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसं अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। मतलब हम ऐसा समझते हैं कि हम कर रहे हैं लेकिन हमसे ये प्रकृति के जो तीन गुण है वो कार्य करा रहे हैं। और वास्तविकता प्रकृति को भी भगवान
किसके अध्यक्षता में कार्य कर रही है? भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति। तो ये जो प्रकृति है, जो माया रूप है, इसके अध्यक्षता में हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समझते हैं कि हम कार्य करते हैं। तो इस संदर्भ में मतलब एक जो प्रभुपाद जी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन था, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, इससे दुखालयम कहा जाता है। यहाँ पे एक समस्या पूरी होती है कि भी दूसरी समस्या खड़ी ही रहती है, मतलब यहाँ पे कोई समस्याओं का अंत नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि एक समस्या में हमें कुछ ये निराकरण मिल गया तो हमें सुख मिल गया, लेकिन वो कुछ देर के लिए समस्या को हम भुला के थोड़ा आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो समस्या तो चालू ही रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण चार हमारे जीवन की समस्याएं हैं, कोई कहना चाहेगा चार जो समस्याएं हैं वो उसके बारे में? जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। जी यस वैजयंती माता जी। That's what I was supposed to say, Prabhuji. Birth, death, disease and old age. Thank you, Sanatan Prabhu. Thank you, Vaijanti Mataji. And thank you, Alka. तो ये जो चार ये जो है, ये दुख का कारण है। चार दुख है ये। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जो मृत्यु है वो भी एक बहुत बड़ा दुख है। आज कोई प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं कि कोई यदि पिता हो और वो बहुत ही ये बीमार है और उनको मतलब ऐसे कुछ बोलने नहीं हो रहा है, कुछ करने नहीं हो रहा है, और यदि उनको ऐसा उनका बेटा अगर आके उनको बोले पिताजी मैं आपको मारने चाहता हूँ, तो पिताजी बोलेंगे नहीं नहीं मुझे अभी भी जीना है, जबकि वो कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये जो है, और बोलते हैं कि सबको मृत्यु से भय रहता है, कोई मृत्यु पाना नहीं चाहता है। वो प्रभुपाद जी प्रवचन में बता रहे थे उस समय में कि रशिया के जो लोग हैं वो लोग मतलब ऐसी शोध कर रहे हैं कि जिससे मृत्यु को टाला जाए या मृत्यु से पर विजय पाई जाए, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो ये जो मृत्यु है ये बहुत ही बड़ा दुख है और इससे कोई मतलब बच नहीं सकता है। ये सबको इससे इसका ये सामना करना पड़ता है, भले ही ये कितना भी तो दुखदाई हो, लेकिन जो इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोलते हैं एज श्योर एज डेड, मतलब मृत्यु है वो निश्चित ही है। तो ये एक है। बाद में ये जो जरा और व्याधि, मतलब ये जो जरा है वो बुढ़ापा, ये भी एक तरह से दुखदाई है। कौन आज बूढ़ा होना चाहता है? थोड़ा भी किसी का बाल सफेद हो तो वो तुरंत काला कर ले, दांत गिर जाए तो वो दांत लगा दे, मतलब कोई भी अगर जीवन में ऐसे बुढ़ापे की निशानी आए तो उसको तुरंत उसको सही करके वो मतलब ये अभी भी जवान रह के जीना चाहता है, भोगना चाहता है, तो वो जो है, लेकिन वास्तविकता उसे एक ना एक दिन तो वो बुढ़ापे का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना कुछ भी कर ले, लेकिन एक दिन तो वो जो बुढ़ापा है वो सत्य है, उसका उसे ये सामना करना पड़ता है। तो ये भी दुखदायी है। और जरा यानि जरा व्याधि, और ये जो व्याधि है बीमारी है ये तो दुखदायी है। और जो जन्म है, ये जन्म के बारे में भी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो यहाँ पे ये जो एक माता होती है उनके गर्भ में जो 7 महीना 8 महीना 9 महीना जो एक गर्भ में ये संतान रहती है वो उसके लिए बहुत ही दुखदायी परिस्थिति है। भले ही उसमें उसका विकास हो, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें एक थैले में बांध दिया जाए और एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो हम उसमें कितना समय रह पाएंगे, कैसे रह पाएंगे? तो वो जो अवस्था है जन्म की अवस्था वो भी अत्यंत दुखदायी है। तो इसी के चलते मतलब ये जो चार जो दुख है ये चार दुखों से आज का जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो भी कितना कुछ भी कर ले, लेकिन ये चार दुखों से वो पार नहीं पा सकता। तो ये जो चार दुखों से हम जो भोगत रहे हैं, ये माया जो है ये इसके प्रभाव में आके हम ये गुणों के प्रभाव में आके हमें ये सब भोगतना पड़ रहा है, तो हमें इससे ऊपर उठना है। तो यहाँ पे जो तात्पर्य में बहुत ही एक महत्वपूर्ण यहाँ पे हमें बताते हैं प्रभुपाद जी, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो ये जो है यहाँ पे एक और एक बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वो पूरा लाइन वापस पढ़ता हूँ। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा
तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि किसी का जो ये एक माता पिता है और उनके जो पुत्र है वो कहीं पे गुम हो गए या किसी प्रतिकूल कठिन परिस्थिति में फंस गए हैं, तो उनके जो पिता होते हैं वो बहुत ही आतुर होते हैं उनको वहां से बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे भगवान भी जो है, हम भगवान के सबके भगवान के अंश है, ममे वांशो जीव लोके, भगवान कहते हैं अहम बीज पद पिता, तो हम भगवान हमारे पिता है। तो जो भगवान है वो हम सबको इस निष्ठुर माया, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बंधन से मुक्त करने का वो साधन है भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो इसमें मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ जाता है कि ये जो वसुदेव जी हैं और देवकी जी हैं, जब भी भगवान का जन्म होता है कारागृह में, तो ऐसे तो वो नित्य भगवान के सेवक हैं और वे सिर्फ यहाँ पे भौतिक धराधाम पे हम सबको ये लीला करने के लिए, हमें समझाने के लिए यहाँ आते हैं। तो जैसे ही भगवान का जन्म होता है तो वे सब जैसे देवकी जी और वसुदेव जी बंधे हुए थे, तो वो सब छूट जाता है उनका बंधन, वो कारागर भी छूट खुल जाता है और सभी जो सैनिक है वो भी सो जाते हैं। तो वो वहाँ से फिर जब भी भगवान श्री कृष्ण को सर पे उठा के जब भी गोकुल में छोड़ने आते हैं, तो वहाँ पे छोड़ के फिर जैसे ही वापस आते हैं तो वापस वे बंधन में आ जाते हैं। तो वैसे तो उनके लिए वो बंधन नहीं थी, वो लीला थी, लेकिन वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी बताते हैं कि हम भगवान के संसर्ग में रहेंगे तो हम बंधन से मुक्त रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम भगवान को छोड़ेंगे तो भगवान से हम जो ये भगवान की जो माया है ये माया से हम बंध जाएंगे। तो इसमें इसीलिए हमें जो ये लेकिन हमें यहाँ से ये मुक्त होके भगवान के धाम में किस तरह जाया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे नित्यबद्ध भी कहा जा रहा है। तो उसका कारण एक ये है कि जो हम अभी कुछ पहले के श्लोक में जैसे हमने देखे थे कि भौतिक शरीर में 5 प्रकार के क्लेशों का आवरण रहता है, ये है अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण। तो ये जो क्लेश है हमारे अंदर, एक तो हम पहले ही गुणों के प्रभाव में बंधे हुए हैं और ऊपर से हम में ये दोषों का आवरण है, अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण यानी मोहग्रस्त। तो ये सब जो है इनसे हम बंधे हुए हैं, इसलिए हम भगवान के साक्षात वैकुंठ धाम में भी नहीं जा पाते। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जो मतलब ये अभी जो आत्म साक्षात्कार के पद पे है, वही तात्पर्य में उसमें मैंने और एक पॉइंट लिया था कि किंतु आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियां यानी ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि में तप कष्टदायी होता है, उससे अंततः कष्ट ही मिलता है और वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो पाती, दोनों से रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। तो अभी हम जैसे देखते हैं कलयुग में है और जैसे सभी जो अलग अलग युग में अलग अलग वो माध्यम थे, साधन थे भगवान को प्राप्त करना, तो ये जो कलयुग है इसमें भगवान की केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना और उनका जो पवित्र नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनका हम जब शरण ग्रहण करेंगे तभी हम जो है ये वैकुंठ धाम जाने के लिए हम तैयारी कर पाएंगे। वरना ये जो आत्म साक्षात्कार है इसमें कोई ज्ञान योगी हो सकता है, कोई ध्यान योग के माध्यम से जाए, कर्म योग या हठ योग अन्य अन्य विधियां से वो प्रयास कर सकता है, लेकिन यदि वो भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या यदि करें तो उससे कोई लाभ नहीं है। जैसे हम एक बहुत ही अच्छा ये जैसे सुखदेव गोस्वामी जी तो ये भौतिक जगत में बाहर आना ही नहीं चाहते थे और वे तो मतलब माता के गर्भ में ही थे 16 साल। उनको यद्यपि व्यासदेव जी भगवान के ही अंश है, अवतार है, तो व्यासदेव जी ने कहा कि आप आइए आपको कुछ नहीं होगा, तो भी वे नहीं आ रहे थे, लेकिन साक्षात जब भगवान ने उनको गारंटी दिया तब वो बाहर आए और आके तुरंत चले ही गए। मतलब वो जन्म जाति आत्म साक्षात्कार स्वरूप सिद्ध थे, लेकिन उनकी वो जो ये स्वरूप सिद्ध अवस्था आत्म साक्षात्कार की अवस्था थी वो पूर्ण नहीं थी। क्यों पूर्ण नहीं थी?
क्योंकि वे चले गए, लेकिन फिर जब भी उन्होंने भगवान की स्तुति और भगवान का वर्णन जब भी उन्होंने जो श्लोक के माध्यम से सुना, तो वे उससे आकर्षित हुए और वे उससे आकर्षित होकर वे पुनः व्यास देव जी के पास आए और उन्होंने उनसे श्रवण किया और फिर उन्होंने जाके ये जो इतना बड़ा ये जो श्रीमद् भागवतम है इसको सब परीक्षित महाराज के माध्यम से सुद गोस्वामी जी और सबको उन्होंने ये भागवत ये श्रवण करवाया। तो ये जो है मतलब उन्होंने जो ये भक्ति जब उन्होंने अपने ये जीवन में जोड़ी, भक्ति को जोड़ा, तभी उनका जो ये आत्म साक्षात्कार जो है वो पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यदि ये जो तीनों गुण है और ये जो भौतिक ये जो पांच हमने आवरण देखा, इससे हम यदि और कोई मार्ग से अगर हम प्रयास करें तो इसमें हमें थोड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन वो एक तो कष्टप्रद होगी और इससे हमें पूरा जो है उसका लाभ नहीं मिलेगा जब तक हम उसे भक्ति योग से ना जोड़े और भगवान श्री कृष्ण से ना जोड़े। तो इसके लिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना याने जो ये जो जगत है इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, जो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में हमें यहाँ पे जो नित्य बद्ध हम यहाँ पे हैं, तो वो जो उनके प्रतिनिधि होते हैं वो नित्य मुक्त होते हैं, वो उनको अपने धाम से यहाँ भेजते हैं हमारे उद्धार करने के लिए। तो हम यदि उनकी शरण ग्रहण करते हैं तो हम भगवान की शरण ग्रहण करने के बराबर हो जाता है और यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हम ये जो ये प्रयास है और ये जो प्रवास है, ये जो भौतिक माया भगवान की जो ये मम माया दुरत्यय, ये जो दुरत्यय माया है, निष्ठुर माया है, इससे हम ऊपर उठने के लिए और मामेव ये प्रपद्यन्ते, और ये जो भगवान की शरण में जाना मतलब याने भगवान के है जो ये गुरु भगवान के जो प्रतिनिधि के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, यदि हम उनके ही शरण में जाते हैं तब जाके हम इस प्रवास में हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये गुरु महाराज एक ये बताते हैं, परम पूज्य जयपता का स्वामी गुरु महाराज अपनी कथा में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बाल स्वरूप में निमाई पंडित के स्वरूप में गंगा जी के तट पे बैठे थे और उस समय में केशव काश्मीरी पंडित थे, वो बहुत ही दिग्विजय थे और उनको मतलब वे ज्ञान में पंडित थे और वे जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे वे जो भी उनके साथ ये ज्ञान में चर्चा करते थे तो वे उनको परास्त करके वे अपना एक उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। तो उन्होंने तभी पता चला कि ये जो मायापुर में नवद्वीप में यहाँ पे कई सारे ज्ञानी हैं पंडित हैं तो वहाँ पे मुझे जाना चाहिए। तो वे वहाँ पे आते हैं हाथी पे बैठ के और वे मतलब ऐसे सबको चुनौती देते हैं कि कौन है आइए हम चर्चा करते हैं, आइए आप बाहर आइए हम चर्चा करते हैं, लेकिन कोई तभी ये साहस नहीं करता क्योंकि सब उनको परिचित थे कि उनके सामने जाएंगे तो वे परास्त कर देंगे और उसमें उनके सामने जाने का कोई लाभ नहीं। तो उस समय वहाँ पे निमाई पंडित जी अपने सब शिष्यों के साथ गंगा जी के तट पे बैठे थे तो वहाँ से केशव ये पंडित वहाँ से जा रहे थे तो उनको फिर निमाई पंडित जी ने चैतन्य महाप्रभु ने उनको तभी अपने पास आदर का आसन दिया और वे वहाँ पे बैठे और फिर थोड़ी चर्चा हुई और फिर केशव काश्मीरी ये केशव पंडित ने फिर गंगा जी की स्तुति की और उन्होंने एक के बाद एक ऐसे 100 श्लोक बोल दिए। तो गुरु महाराज बताते हैं कि यदि हमें कहा जाए कि आप किसी के बारे में कविता कहो तो हम तो पहले एक लाइन करने में ही हमें इतना सोचना पड़ेगा, लेकिन वो इतने बड़े पंडित थे कि उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक ऐसे 100 श्लोकों की रचना कर दी। तो तभी चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित जी के रूप में वहाँ बैठे थे और उन्होंने शांति से धैर्य से पूरा सुना और फिर बाद में उन्होंने जब ये पंडित ये केशव पंडित का ये जब पूरा हो गया तभी उन्होंने पूछा कि आपने सुना आपको कैसा लगा। तो तभी चैतन्य महाप्रभु ने जैसे एक बहुत बड़ा हमारे लिए ये प्रेरणा दी कि किस तरह श्रवण करना चाहिए, उन्होंने सब
एक के बाद एक बराबर सुना वो 100 श्लोक, और फिर उन्होंने नंबर उसमें से एक एक नंबर के श्लोक को ऐसे निकाल निकाल के कहा, जैसे वो गुरु महाराज बताते कि उन्होंने बताया कि आपने ये श्लोक बोला, इसमें 55 नंबर का श्लोक था, उसमें आपने शिव जी को भवानी भरतूर ऐसा करके कुछ कहा, तो उसमें शिव जी गंगा जी की स्तुति कर रहे हैं और वहां पे वो भवानी जी का ये कर रहे हैं, तो ऐसा करके उन्होंने एक एक करके उनको समझाया, तो तभी जाके पंडित जो थे उनको समझ में आया कि, और वे वास्तविक में पंडित केशव काश्मीरी थे, उनको सरस्वती जी का आशीर्वाद था कि वे कहीं पे भी जाएंगे वे जो ये तर्क वितर्क में उनको कोई परास्त नहीं कर पाएगा, तो वे तो सोचने लग गए कि ये इतने छोटे पंडित वो कैसे मतलब इतना अच्छा उन्होंने कर दिया और मेरी पराजय हुई, तो वे घर में जाके जब ही सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो सरस्वती जी बोलते हैं कि आपने गलत व्यक्ति से मुंह मोल लिया, वो तो मेरे स्वामी है, तो मैं मेरे स्वामी के सामने मैं कभी नहीं बोल सकती, तो इसलिए मैंने आपको तभी बुद्धि में सही तरह से नहीं ये कर पाए, तो जो के वो पंडित केशव थे वो समझ गए और वे तुरंत ही दूसरे दिन आके जो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में थे उनके शरणागत हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान जो है सभी जो ये जीवात्माएं हैं इनके ऊपर कृपा करने के रूप में के लिए वे छद्म वेश धारण करके आते हैं यहाँ पे, हालांकि वे स्वयं भगवान है लेकिन सभी भक्तों को ये सिखाने के लिए कि किस तरह भगवान की भक्ति की जाए और कैसे भगवान श्री कृष्ण की शरण जा सके वैसा वो बताने के लिए वे आते हैं। तो ये जो है ये हम माया से अगर हमें तरना है तो हम भगवान की ये शरणागत इस तरह हम हो सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो भगवान का शरण ग्रहण करना यानी भगवान का शरण ग्रहण करना यानी भगवान के प्रतिनिधि प्रामाणिक प्रतिनिधि है उनकी शरण ग्रहण करना, और उनकी शरण ग्रहण करना मतलब उनकी जो ये वाणी है उनका हम यदि पालन करें, क्योंकि हम ये संभवित नहीं है कि हम प्रत्येक क्षण उनके ही आसपास रहें और फिर उनके ही आश्रय में रहें, हम जब यदि जैसे प्रभुपाद जी भी कई बार कहते हैं कि यदि आप मेरी मतलब आप मुझे याद करना चाहते हो तो आप मेरे ग्रंथ पढ़िए या मेरी आज्ञाओं का पालन कीजिए, और ये जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है वो इसके लिए ही बना है कि हम ये जो भौतिक ये माया रूपी ये बंधन में फंसे हुए हैं इससे हमें ऊपर उठना है, भगवान की शरण में जाना है, तो ये उसके लिए संस्था बनाई है, तो आप यहाँ पे सब एक दूसरे का सहायता करके आप इससे बाहर निकलिए। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे ये एक जो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया था ऑकलैंड में 22 फरवरी 1973 में श्रीमद् भागवतम 6.1.15 में, मैंने बीच में भी कहा था, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु है, उन्होंने हमें बहुत सारी हमें ये आज्ञाएं दी है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सर्वप्रथम आप उन्हें पूरा कीजिए, सर्वप्रथम आप पहले अपने 16 माला पूर्ण कीजिए, जो 4 नियम का पालन है उसे पालन कीजिए, सर्वप्रथम आप अपनी ये जो कर्तव्य है उन्हें पूरा कीजिए, अपने कर्तव्य को आप निग्लेक्ट मत कीजिए, उसे आप अनदेखा मत कीजिए, आप ये नहीं करेंगे तो आप और क्या करेंगे, आप अगर 16 माला नहीं कर पाएंगे अपने 4 नियम का पालन नहीं कर पाएंगे तो आप और क्या कर पाएंगे, सर्वप्रथम आप अपनी ये कर्तव्य पूरा कीजिए, आप ये अपने जो कर्तव्य है इनको पूरा करने में दक्ष बनिए, फिर आप अन्य और सेवाएं के बारे में पूछिए। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, यदि आप अपनी कर्तव्य को पूरा करेंगे तो स्वाभाविक भगवान श्री कृष्ण आपको बुद्धि देंगे, तो ये जो है ये हमारा जो एक नित्य है क्रम है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के संस्था में आए हैं, तो ये जो भगवान की कृपा से हमें श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में आके ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, तभी हम जाके गुरु के शरण हो सकते हैं और उनके शरण में हो सकते हैं, तभी हम ये दुर्दैवी माया है उससे हम पार उठ सकते हैं। अभी अंत में मैं सिर्फ एक जो बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी ने वो क्वेश्चन आंसर सेशन में एक श्लोक बोला था, मैं वो श्लोक खाली इसमें पढ़ना चाहता हूँ एक लास्ट में, एक मिनट
इसमें ये श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला आठवां अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामानंद राय के बीच वार्तालाप, इसमें श्लोक संख्या है 70। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभते तत्र लोल्यमपि मूल्य मेकलम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। तात्पर्य अनुवाद और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्री प्रभु। सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कंठा लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत ही खरीद लेनी चाहिए। तो ये जो श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोल्यम जो है, हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, प्रभुपाद जी तात्पर्य में वो जो श्लोक में वो प्रवचन में बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना यानी बहुत ही ऐसे देखा जाए तो सुदुर्लभ है वो। और वो मतलब ऐसे ये श्लोक भी जैसे आते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेशु बहु नाम जन्म नाम अंते, मतलब ये जो है भगवान की भक्ति प्राप्त करना, ये मतलब इसमें लाखों करोड़ों साल चले भी जा सकते हैं और भगवान की प्राप्त करना मने एक सेकंड भी कर सकते, एक सेकंड में भी वो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इसमें ये जो खाली हमें प्राइस जो चुकाने हैं वो है लोल्यम। भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो केवल एक मूल्य उसे प्राप्त करने की उत्कुट लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है ये लोल्यम लभ्यते अपि संदेह मूल्यम एकलम। और ये जो है भगवान श्री कृष्ण ही क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। तो यहाँ पे अंत में शिव जी भी बहुत अच्छा बताते हैं कि शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु रूप कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णु रेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की हम यदि शरण ग्रहण करते हैं और जैसे उनकी शरण ग्रहण करना यानी उनके प्रतिनिधि जो गुरु हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करके हम उन्होंने जैसे बताए हुए मार्ग पे जो भगवान के नाम का जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चार नियम का पालन करते हैं तब ये जो दुर्देव निष्ठुर माया है उससे हम जो भगवान की शरण में जाने का हम अपना प्रवास प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत सुंदर क्लास था, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया। और जैसे परम पूज्य जयप्रदा गोस्वामी महाराज जी का और राधा गोस्वामी महाराज जी का जो रेफरेंस लिया आपने उनके लेक्चरों से, दैट वाज वेरी नाइस। और मतलब वही आज के श्लोक में हम लोगों को मतलब यही सीखना है कि कैसे हम लोग को भगवान की शरण लेनी है तो ही हम लोग जो है इस माया से पार पा सकते हैं। क्योंकि बहुत ही जगत में इतने सारी परेशानियां हैं और कोई सोचे कि मैं इसको कुछ इसका हल निकाल लूं तो वो पॉसिबल नहीं है। वो मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी धन कमा ले, कितना भी मेडिकल साइंस में आगे बढ़ जाए तो भी जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि जो है वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे आपके क्लास में ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, लौलियम, जो आप बताएं कि हम ऐसे हजारों लाखों साल जन्म लेकर के भी हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक हमारे अंदर लौलियम ना होगा। तो सिर्फ अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हम हमारे अंदर वो लौलियम आना चाहिए, भगवान के प्रति वो सेवा भाव और वो इच्छा। और ये भी पॉइंट अच्छा लगा कि जो हम लोग जीव आत्मा है, जो हम ये जो माया है हम लोग को कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं है हम लोग सोचते हैं कि वो ये हम किए हैं और हर चीज अपने क्रेडिट में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो है तीन गुणों से बंधे हुए हैं और उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम भक्ति को ग्रहण करते हैं, भक्ति को अपने जीवन में लाते हैं, तो हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भक्ति करना होगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू, जय श्री प्रभुपाद जी। जी सनातन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एज यूजुअल आपका क्लास बहुत बढ़िया था, और आपकी एक्चुअली प्रभु जी हिंदी की जो वाणी है और जिस तरीके से आप वो उच्चार करते हो और जिस तरीके से आप क्लास देते हो, बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। और थैंक यू, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपने बहुत अच्छी तरह से गौर किया और उसको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से आपने मतलब एक्सप्लेन किया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास था, हर एक पॉइंट जो जो आपने बताया केशव पंडित जी, वो सब ऐसे लग रहा था सामने हो रहे हैं, सब हम लोग देख रहे हैं। बहुत सुंदर, जैसे अभी सनातन प्रभु जी ने कहा कि पूरे जिनका ध्यान भी नहीं होगा वो भी अब जब बोलते हैं ना तो उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। बहुत गुरु महाराज की आपके ऊपर बहुत अच्छे से कृपा है, बहुत सुंदर था। और आपने जैसे कहा कि शिवजी बताते हैं, तो ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम लोग प्रचार करते हैं तो बोलते हैं कि शिवजी मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पद्म पुराण में कहा है ना, शिवजी कहते हैं कि मुक्ति के दाता स्वयं भगवान विष्णु है। तो ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे, तो वो एक पॉइंट बोलना था। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी माता जी, थैंक यू माता जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है माता जी, क्योंकि कई लोग ऐसा समझते हैं कि शिव जी कोई जैसे उनकी साधना करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन जैसे यहाँ पे आपने बहुत महत्वपूर्ण हाईलाइट किया कि ये जो है प्रचार के समय हम ये यदि कहें तो उससे बहुत बड़ा ये मतलब उनको हम समझा सकते हैं। थैंक यू माता जी। मैं या हरे कृष्णा, और किसी का कोई कमेंट कोई क्वेश्चन नहीं तो कृष्णा प्रभु। यस सानिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर लेक्चर था प्रभु। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है,
जैसे अभी जो परम प्रभु ने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो माया देवी है वो भगवान के आदेश का पालन करती है, तो मुझे ये क्वेश्चन है प्रभु कि जो भक्ति करने वाले होते हैं तो उनके ऊपर तो माया देवी का प्रभाव क्यों रहता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोपियों प्रभु जी। या प्रभु आप ले लो। हरे कृष्णा जी माता जी। थैंक यू माता जी आपका ये प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये एक्चुअली भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, और जो ये भक्त को क्यों माया ये करती है तो उसका ये उत्तर मतलब जैसे ये सोना होता है उसे जो ये माइंस में से निकलता है और वो जो मिक्स हो जाता है और फिर उसे तपाया जाता है और तभी जाके वो 24 कैरेट बनता है, तो ये जो माया देवी है वो भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं। और ये जो है माया देवी के हाथ में जो मैंने एक और थोड़ा इसमें ऐड करना चाह रहा था लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन सिर्फ मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ये माया देवी है वो एक जो उनके हाथ में त्रिशूल होता है दुर्गा जी के हाथ में, और त्रिशूल का प्रतीक है कि वो तीन तापों को देती है, ये आधिदैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक। तो इससे क्या होता है कि जो जीवात्मा है वो उनको जो इन तापों से वो उनको शुद्ध करते हैं, और जिस तरह वो धीरे धीरे शुद्ध होते हैं वो फिर वो अपने आप को ऐसे स्तर पर बनाते हैं कि वो फिर उनको स्वयं भगवान आते हैं लेने के लिए। जैसे हम देख सकते हैं तुकाराम महाराज जी को, इतने अच्छे इतने बड़े भक्त संत हैं, तो उनको भी जीवन में कितनी सारी कठिनाई आई, कितनी सारी प्रतिकूल अवस्था आई, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इतना अच्छा बनाया कि स्वयं भगवान को ही अपने पार्षदों को भेजना पड़ा, गरुड़ जी को और सब पार्षदों को भेजना पड़ा, और वो तुकाराम जी को लेके गए। तो इस तरह जो है वो मतलब एक समझ सकते हैं। और जो दूसरा है कि जो भगवान की भक्ति करके भी यदि वो ऐसा समझता है कि अभी मैं अभी माया से मुक्त हो चुका हूँ और मैं अपनी बुद्धि से कार्य कर सकता हूँ, तो इसमें एक बहुत ही सुंदर एक बीच में मैं सिर्फ एक छोटा सा एक स्टोरी है वो ऐड करना चाहता हूँ, यदि लेट ना होता हो तो मैं ऐड करूँ प्रभु जी। एक ये स्टोरी आप लोग ने सबने भी सुना होगा, ये दलत राम वाणी का स्टोरी है। वो जो जाता है ऐसा वो मतलब तो एक बैगन का खेत होता है, वहाँ पे जाता है और वो देखता है ये सब बैगन है तो इतने अच्छे बैगन दिख रहे हैं, तो वो देखता है और फिर वो बोलता है अरे इतनी सारी ये बैगन दिख रहे हैं भूमि है, तो भूमि को ऐसा पूछता है कि भूमि देवी ये सब इतने सारे बैगन है मैं इसमें से 5-6 बैगन ले लूँ? तो बाद में वही भूमि देवी का आवाज़ निकाल के बोलता है अरे अरे 5-6 बैगन क्यों, आप 8-10 बैगन लेके जाओ। तो ऐसा करके वो ऐसा उठा के लेके जाता है बिंदास। फिर वो वापस दूसरे दिन भी ऐसा आता है, तो वापस वो ये देखता है कि एक मिनट तुमने नाकिया पे जब मम्मी उभारे हो, कि वो जो देखता है कि वो वापस वो देखता है कि मुझे बैगन चाहिए तो मैं लेके जाओ, अरे अरे इतना क्यों, इतना 8-10 लेके जाओ। तो ऐसा करके मतलब उसका वो नित्य क्रम चालू हो जाता है। तो जो हम भक्त होते हैं, मेरी बात करता हूँ कि हमें भी ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान ने हमें जो ये कृपा दी है तो अभी मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं भी ये अरे अरे मैं थोड़ा और थोड़ी देर सो लेता हूँ, थोड़ा ये एंजॉय कर लेता हूँ, तो फिर ऐसे चलते रहते हैं। फिर जब ही वो बाद में किसान देखता है और किसान जो देखता है कि ये मेरी खेती में इतने भाग में बैगन क्यों नहीं दिखते, फिर वो एक बार ध्यान से ऐसा झाड़ियों के पीछे आके देखता है तो ये जो दलातराम वो होता है वो ऐसा वो लेके जाता है बैगन ऐसा पूछ के कि मैं ऐसा 5-10 5-6 लूँ, तो बोलता है नहीं नहीं 8-10 ले लो, ऐसा करके वो लेके जाता है। फिर उसको रंगे हाथ पकड़ता है किसान, बोलता है अरे अरे मैं तो ऐसा पूछ के लेके जा रहा हूँ, तो हाँ हाँ ठीक है बराबर है मैं भी वहाँ पे आप चलो, उसको बांध के फिर वो बावड़ी में ऐसा डालता है। और फिर वो जो किसान होता है वो बावड़ी को पूछता है अरे मैं इनको ऐसा ये ऐसा किया है तो इनके जो
बदले में मतलब उनको 5-6 डुबकी लगाओ, तो वही फिर बावड़ी का आवाज निकल के बोलते अरे 5-6 डुबकी क्यों, 8-10 डुबकी लगाओ। तो उसको फिर वो मतलब ऐसा तो बावड़ी में ऐसा ये बार बार ऐसा अंदर उसको ऊपर नीचे ऐसा करता है, वो बोलते अरे नहीं नहीं छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ दो। तो जैसे हम भी मतलब ये प्रकृति का जो हमें जब भी जानकारी होती है, मेरी बात कर रहा हूँ खास कि हम ये प्रकृति के गुण के प्रभाव में हैं, लेकिन हम जब भी भगवान की शरण में आए हैं तो अब हम मतलब किसी तरह भी ऐसे रह सकते हैं। तो जो जब भी हमें ये देखते हैं तो प्रकृति और भगवान की अध्यक्षता में या तो प्रकृति हम पे ये करती है या तो गुरु महाराज आके हम पे कृपा करते हैं। तो अब हम ये हमारे पे है कि हमें किसका हाथ चुनना है, या तो गुरु महाराज की आज्ञा, वैष्णवों की साधुओं की आज्ञा उसको पालन करना है, या जो प्रकृति जो हमें ये फिर प्रतिकूल अवस्था में ऐसे डुबकी लगाएगी उसमें ही हमें करना है। तो ये थोड़ा याद आ गया था। थैंक यू सानिका माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा आंसर दिया। थैंक यू। और आपने जो स्टोरी बताई उससे तो एकदम क्लियर हो गया प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। दंडवत जी प्रभु। या और किसी का कोई कमेंट कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग रुकते हैं और हम लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। हम लोग आई थिंक और किसी का कोई हैंड रेस नहीं है तो स्टॉप हियर। और जी उपान प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार, और थैंक यू फॉर हाइलाइटिंग कि ये जो श्लोकास हैं कितने डिटेल्ड हैं, तो इसके लिए हम लोग स्प्रिट किया तो उसका हम लोग बेनिफिट लेंगे हम लोग। और इन सारे 14, 15, 16 को हम लोग एक हफ्ता हम लोग आराम से देखेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन। हरे कृष्णा।